समाजवादी पार्टी की तरफ से भी महिलाओं को लुभाने के जो प्रयास हैं उनमें प्रमुख है कि अखिलेश यादव महिलाओं के लिए बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। मायावती याद दिलाती हैं कि बीएसपी के कार्यकाल में उन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या किया था, यानी कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो इस वोट बैंक को टैप न करना चाहती। महिला वोटरों का एक हिस्सा वो होता है जो हमें राजनीतिक क्रियाओं पर प्रतिक्रियाएं देता हुआ दिख जाता है। एक वो होता है जिन्हें योजनाओं का लाभार्थी मानते हुए राजनीतिक पार्टियां अपना कोर वोटर मान लेती, लेकिन एक वो भी होता है जो तंग गलियों के सीले सीले घरों में अपनी जरूरतों को हुनर के तार से बुनती रहती है। कितना समय लग जाता है आप लोग, ये क्या दुपट्टा है, साड़ी है या फैब्रिक है? ये दुपट्टे। कितना समय? समय 2 दिन भी लग जाता है, 4 दिन भी लग जाता है, तार के हिसाब से लगता है काम। इसका पैसे कितने मिलते हैं? पैसे तो कुल 80 रुपए मिलते हैं एक दिन के। एक दिन के 80 बंधे हुए हैं। और ये कब से, मतलब कब से, मतलब बचपन से आता था? ये है वो एक दिन में कमा लेता है, और जो धीरा सिलता है उसको 2-3 दिन लग जाते हैं। अच्छा। हाथ के हिसाब से होता है, जो शुरू से मतलब की तेजी से बना पाता है वो बना लेता है। कितने सालों से कर रहे हैं काम ये? ये तो समझ लीजिए, बताइए। करीब कम से कम 15-20 साल हो रहा है। जो उंगलियां लोगों के ख्वाबों का कपड़ा सजाती हैं, वही उंगलियां ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी करती हैं। ये साइलेंट वोटर हैं जरूर, लेकिन मन में चुनावी माहौल को लेकर शोर बहुत है। साल भर हो गया राशन कार्ड बनाने दिया, अभी तक बन के नहीं आया। दौड़ दौड़ के परेशान है, कहीं से बन ही नहीं रहा है, बल्कि हम तो किराए पर रहते हैं, अपना भी नहीं है। तो मतलब वो फ्री वाला नहीं मिल पा रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब बन ही नहीं रहा है मैडम, तो मिलेगा कहाँ से? ऐसे ही घर के लिए परेशान हुए कई सालों से हो रहे हैं। कोई 2 लाख मांगता है, कोई 1.5 लाख मांगता है, कहाँ से दें? होता ही नहीं है। फार्म भरो चाहे कुछ भरो, मिलता ही नहीं है घर। अखिलेश की सरकार में तो फिर भी सबको मिल गया, जब से इनकी सरकार बैठी तो एक को भी नहीं मिला। किसी को नहीं मिला है, परेशान हो गए हम लोग घर के लिए कि कहाँ तक किराए पर रहेंगे। तो आप लोगों को भत्ता आता था पहले? हाँ, हम लोग को आता था, सबको आता था, यहाँ जितने हैं सबको आता था। कब, किसकी सरकार? यही उसकी, अखिलेश की। हाँ। कितना भत्ता मिलता था? 1000 रुपए मिलते थे हम लोग को हर महीने। हाँ, 3 महीने पे 3000 रुपए मिलते थे, नहीं मिलते थे? मतलब कोई आकर दे जाता था कि 3000? नहीं, अकाउंट में, अकाउंट में आ जाता था। सीधे अकाउंट खुलवाए थे सबके, जितनी औरतें हैं सबके, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई हो, सब में आता था। आएगा, और जब से ये बैठे हैं 1 रुपया नहीं मिलता हम लोग। और इसके लिए पूरी तरह से वहाँ का जिला प्रशासन सरकार जिम्मेदार है। आप देखेंगे, समाजवादी पार्टी ने कभी संसद में 2008 और 2010 में महिला आरक्षण बिल का खुलकर विरोध किया था। और सरकार ने अभी तक दंगा के मामले में 4 रिपोर्ट आई है, और सरकार ने क्या खाने पीने का काम किया है, ये हम जानना चाहते थे। लेकिन बीते एक दशक में महिलाओं की भूमिका देखते हुए उसने भी रणनीति बदली। 2012 के यूपी चुनावों में समाजवादी पार्टी ने महिला वोटर्स को लुभाने के लिए 2 साड़ी, मुफ्त शिक्षा, सरकार बनने के बाद अन्य वर्गों के साथ विधवा तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक मदद के लिए समाजवादी पेंशन से जोड़ा। इन चुनावों में समाजवादी पार्टी ने महिला वोटर्स का समर्थन पाने के लिए वादा किया है कि उनकी सरकार बनी तो समाजवादी पेंशन के तहत महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। लैपटॉप योजना फिर शुरू की जाएगी। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव, सबसे ज्यादा उत्पीड़न, सबसे ज्यादा घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही। एनसीआरबी के खुद आंकड़े, दिल्ली के खुद आंकड़े कह रहे हैं 40% से ज्यादा महिलाओं बेटियों के साथ उत्पीड़न हुआ है। मैं अनुरोध करूंगी कि छात्र छात्राओं को प्रतिज्ञा जरूर ये प्रदान करें। हालांकि बीजेपी ने चुनावों की घोषणा से पहले ही 80,000 आशा वर्कर्स को स्मार्टफोन बांटे, 60,000 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और 40,000 छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटे। इसके अलावा निराश्रित महिलाओं के खातों में 1000 रुपए ट्रांसफर करके मुद्दों के मुद्दे पर खुद को आगे दिखाने की कोशिश की। बहुजन समाज पार्टी को भी महिला वोटों की अहमियत मालूम है, लिहाजा एक दांव चला है कि बीएसपी की सरकार बनने पर महिलाओं को राजनीति में और सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण दिया जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद,
जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी।